नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बरेली रेलवे परिसर में हो रहे लगातार अपराधों को देखते हुए मुरादाबाद के एसएसपी पीके तिवारी ने बरेली जीआरपी थाने का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं कि इन अपराधों को रोकने के लिए चौकसी लगातार बरती जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए जीआरपी के एसएसपी ने बताया, आज किस उद्देश्य सर आपका आगमन हुआ बरेली में? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्दियों का टाइम चल रहा है, आपराधिक गतिविधियां कम से कम हो, इस संबंध में मेरे द्वारा जीआरपी पुलिस को ब्रीफ किया गया है, मीटिंग ली गई है, उनको बताया गया है कि किस तरीके से अपराध पर नियंत्रण करें, सर्दियों में कोई घटना न घटित होने पाए, बाकी उसी का सुरक्षा का जायजा मेरे द्वारा लिया जा रहा है। इंस्पेक्टर जीआरपी बरेली जंक्शन मेरे साथ हैं, बाकी फोर्स है, तो ये सब खास तौर से सुरक्षा के मद्देनज़र और पुख्ता इंतजाम करने के हिसाब से है, जिससे कि कोई घटना घटित ना। सर सुरक्षा के दौरान सर किन किन बिंदुओं पर सर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया? तो देखिए, खास तौर से बताया गया है, अक्सर घटनाएँ होती हैं कि कोई भी छीन करके मोबाइल ले जाता है आउटर पर, तो वहाँ ड्यूटी लगाने के लिए बताया गया है। प्लेटफार्म पर से कोई घटना ना हो, सामान उठा के ना भाग जाए कोई, तो वहाँ प्लेटफार्म ड्यूटी लगाएं। सर्कुलेटिंग एरिया का विजिट किया गया है, सर्कुलेटिंग एरिया में से कोई घटना घटित ना हो, जैसे कि अभी एक घटना हुई भी है मारपीट की, जी जी, जिसमें मुकदमा कायम किया गया है और जेल भेजा गया है आज इनको, जी। तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, खासतौर से वही मेरा मकसद है, उसी संबंध में सबको ब्रीफ किया। वीडियोग्राफर एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन बरेली द्वारा शहर के एक प्रसिद्ध होटल में फोटोग्राफों को नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक से अवगत कराने हेतु एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें बरेली व आसपास के जिलों के फोटोग्राफरों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस वर्कशॉप में बनारस के प्रसिद्ध फोटोग्राफर मेंटर गणेश शर्मा ने फोटोग्राफरों को वेडिंग एवं कैंडिड फोटोग्राफी की बारीकियों से अवगत कराया एवं लखनऊ से आए मॉडलों के फोटो खींचकर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। नेशनल लोकमत पार्टी ने थामा आईएमसी का दामन। गुरुवार को नेशनल लोकमत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपजा प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने आईएमसी का दामन पकड़ा है। नेशनल लोकमत पार्टी के पदाधिकारियों का मानना है कि हम लोग आईएमसी के विचारों से खुश होकर पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा आईएमसी पार्टी से मिलती है। हम एकजुट होकर समाज व देश हित में कार्य करेंगे। इस बारे में खुशी जाहिर करते हुए नेशनल लोकमत पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा, अफजल भाई जानना चाहेंगे कि आज आईएमसी में एक पार्टी का प्ले हुआ है, लगभग काफी संख्या में लोग आपके संगठन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और आने वाला समय जो है और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आईएमसी में शामिल होंगे। आईएमसी की जो नीति है वो नीति ये है कि अपने देश के हित के लिए, अपने प्रदेश के हित के लिए, अपने ज़िले के हित के लिए काम करना, अपने देशवासियों के लिए काम करना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, आपस में भाईचारा बनाए रखना है। इसलिए लोग हमारी पार्टी के नीतियों से खुश होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मौलाना तौफीक रजा खान की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हमारा जो काम है। इस मौके पर आईएमसी के पदाधिकारियों ने बताया, आज ये प्रेस वार्ता है, ये नेशनल लोकमत पार्टी जो कि एक चुनाव आयोग की रजिस्टर्ड पार्टी है, उसकी जो बरेली इकाई है, उसने सोच समझकर मौलाना तौफीक रजा खान साहब और उनके मिशन को अपना मिशन समझते हुए आज अपनी पार्टी का विलय आईएमसी में किया है। उस ताल्लुक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रखी गई है और हम इस्तकबाल करते हैं नेशनल लोकमत पार्टी के ज़िला अध्यक्ष, महिला विंग के ज़िला अध्यक्ष, युवा ज़िला अध्यक्ष सबका, उनके साथ साथ तकरीबन 50-55 लोगों ने आज हमारी आईएमसी पार्टी में विलय किया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पिछले दिनों से
पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बरेली जिले में पारा लगातार गिर रहा है, जिसको लेकर जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद कर दिए हैं। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। उनका मानना है कि लगातार ठंड बढ़ रही है, जिससे बच्चों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। वहीं शहर में ठंड के चलते कारोबार भी ठप हो गया है। वहीं जगह जगह लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ी कूड़े जलाकर हाथ तापते नजर आएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए लोगों ने बताया। मैं आपका सुनील। क्या करते हैं आप? रोड लगाते हैं। कैसी रही आज आपकी बीवी? बहुत ही ज्यादा बाजार डाउन है, कुछ माल उल कुछ बिक नहीं दिया। क्या कारण है? ठंड के कारण है सब, जो ठंड इतनी पड़ रही है, आदमी निकल नहीं रहा बिल्कुल घर में से। सर आपका? मेरा नाम गोविंद बाबू वाल्मीकि है। सर क्या कहना चाहते हैं इस बढ़ती हुई ठंड के विषय में? मैं ये पुलिस वो अपना जो नगर निगम प्रशासन और शासन प्रशासन बरेली का, उस समय ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बार जो सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से बरेली शहर में पूरा जो जनजीवन है बहुत ही अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं। मैं नगर निगम से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वह अलाव की व्यवस्था कराए, जिससे कि शहर में लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सके। और शहर में जो इस समय स्कूली बच्चों की दिक्कतें हो रही हैं, उनका जो समय भी उन्होंने स्कूलों को बढ़ाया, मैं उसके लिए प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और नगर निगम को अपनी ओर से आदेश कर जगह जगह अलाव की व्यवस्था और रैन बसोरों की व्यवस्था सही कराने की कृपा। SSP ने नागरिक संशोधन कानून और NRC को लेकर मुस्लिम इलाकों में लगाई चौपाल, लोगों को दी कानून की जानकारी। नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर मुसलमानों में फैली भय की स्थिति को दूर करने के लिए बरेली के SSP शैलेश कुमार पांडे ने बड़ी पहल करते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में चौपाल जारी रखी है। गुरुवार को पुराने शहर के मीरा की पैड पर चौपाल लगाई गई, जहां पर SSP मुसलमानों को CAA और NRC के बारे में जानकारी दी। लोगों को नागरिकता संशोधन कानून और NRC की जानकारी देते हुए बरेली के ADG अविनाश चंद्र, SSP IPS शैलेश कुमार पांडे, SSP ने आज मुसलमानों को CAA और NRC के बारे में भी बताया है। उन्होंने लोगों को बताया कि CAA से डरने की, भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा यह कानून आपके लिए नहीं है, सभी इस देश के नागरिक हैं और रहेंगे, इसीलिए बरेली में अमन चैन कायम रखें ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। इससे पूर्व सभी अधिकारियों का क्षेत्र के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस बारे में लोगों को समझाते हुए SSP बरेली शैलेश कुमार पांडे ने कहा, सबसे जो इसका क्रक्स है वो यही है, आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं। कई लोग आर्टिकल 14 के नाम से अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब देखिए ये तो इसमें एक पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ है और ये तो भेदभाव है और समानता का अधिकार कहां है। तो मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल 14 देश के नागरिकों के लिए है, और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो 5 धर्म और 6 धर्म और समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई, वो भारत के नागरिक नहीं है, हमारा आर्टिकल 14 उस पे लागू नहीं होता है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 मुल्कों में जो किसी कारण प्रताड़ित किए गए, खास करके रिलीजियस रीजन से प्रताड़ित किए गए, वैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। वो भी एक प्रक्रिया उसकी निर्धारित की गई है, उसके तहत उनको नागरिकता दिए जाने की बात है। वही लोगों को नागरिकता संशोधन कानून और NRC की जानकारी देते हुए बरेली के ADG अविनाश चंद ने बताया, यहाँ पर इतनी छुट्टी हुई ठंडक में सभी क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण, मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ एकता समाज समिति का, जिन्होंने हम पुलिस वालों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया। तालियों से स्वागत। अक्सर पुलिस को गालियां ही पड़ती हैं, लेकिन जब अपवाद स्वरूप सम्मान मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इस हौसला अफजाई से हम और दुगनी ताकत से समाज सेवा में जुटते हैं। मैं बरेली जनपद के
सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जितने हमारे त्योहार थे, ईद बकरीद मुहर्रम होली दशहरा दिवाली, पूरे 2019 में जितने त्योहार थे, लोकसभा चुनाव था, सारा बिल्कुल घटना रहित दुर्घटना रहित तरीके से पीसफुल तरीके से संपन्न हुआ और उसका सारा श्रेय आप सभी को जाता है, आम जनता को जाता है। अगर कहीं पे पुलिस कायम है, जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर कहीं पे पुलिस कायम है जैसे कि बरेली में कायम रही, उसका 98% 100 में 98% श्रेय आम जनता को जाता है और केवल 2% श्रेय हम पुलिस वाले ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं चाहेंगे कि अमन चैन बना रहे तो कितनी भी फोर्स हम लगा लें, अमन चैन कभी भी नहीं स्थापित हो सकता। तो ये चीज हम पुलिस वाले अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए आप सबसे हम आपसी भाईचारा बनाए रखने की, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की हृदय से अपील करते हैं। देखिए ऐसा है कि पीस जो है वो मनुष्य का मूल नेचर है, मूल प्रवृत्ति है। हर आदमी अंत में सुख शांति चाहता है। कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो ठीक है आप शांत रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही आशीर्वाद देता है। अगर कुछ गड़बड़ होता है उसके बाद भी आदमी शांति चाहता है, जैसे संभल में हुआ, हमारे जोन में, बिजनौर में हुआ, अमरोहा में हुआ, रामपुर में हुआ, फिर एक दो दिन बवाल होने के बाद पीस कायम हुई। जब पीस अंत में कायम होना है तो हम इसको डिस्टर्ब ही क्यों होने दें? कितनी कीमत लेकर के जाएगी और कितनी जल्दी वापस आएगी, ये सब आम नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है। संभल में दो व्यक्ति सामान्य नागरिक अपनी जान गंवा बैठे, बिजनौर में दो लोगों ने अपनी जान गंवाई, रामपुर में एक व्यक्ति ने जान गंवाई। किसी न किसी के वो बच्चे रहे होंगे, किसी के पिता रहे होंगे, सबको दुख होता है, लेकिन वो वापस कभी भी नहीं आ सकते। तो ये आप सबको समझना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई भड़काए, अफवाह फैलाए, लेकिन हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। हर दशा में हम आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना करके रखेंगे। आप हिंदू भाई, मुसलमान भाई आपस में पड़ोसी होंगे, अगर रात बिरात किसी को तबीयत खराब होती है तो पड़ोसी काम आता है, बाहर का बैठा रिश्तेदार नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। तो पड़ोसियों से अच्छे संबंध हो, खराब संबंध हो, ये विकल्प आपके पास है। आप सभी जानते हैं कि अच्छा संबंध बना करके रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरे शहर में अमन चैन बनी रहे, शांति बनी रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज सबके मन में घर कर जानी चाहिए। कोई कितना भी भड़काए, कुछ भी कहे, कितना भी व्हाट्सएप मैसेज भेजे, फेसबुक पर भेजे, ट्विटर पर भेजे, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे, पेपर में निकले, कुछ भी निकले, टीवी पे तमाम सारे प्रोवोकेटिव डिबेट्स चलते रहते हैं, देख करके आपको आक्रोश आता होगा, लेकिन फिर मेरी बात भी याद रखिएगा कि अमन चैन बना करके रखना शहर की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रिश्ता बनाने में कई साल लगता है और टूटने में एक सेकंड नहीं लगता, एक सेकंड दो सेकंड में रिश्ता खत्म हो जाता है, कटुता पैदा हो जाती है मन में। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अमन चैन हमारे शहर का हर दशा में कायम रहे, और वो अब तक आप लोगों ने मिसाल के तौर पे कायम रखा है। बरेली में हमारे पूरे जोन में मोस्ट पीसफुल तरीके से सारे तीज त्योहार संपन्न हुए हैं, तो मैं उसका पूरा श्रेय आप लोगों को देना चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऑकेजन्स हैं जहाँ पे मास स्केल पे लोग गैदर होंगे, कल का जैसे जुम्मे की नमाज है, पीसफुल तरीके से असेंबल होइए, नमाज अदा करने के बाद आप पीसफुल तरीके से अपने अपने घरों को जाएं, किसी भी दशा में किसी के बहकावे में मत आएं। जैसा कि आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, रामपुर में, संभल में, अमरोहा में, बिजनौर में
और प्रदेश के अन्य जनपदों में कई सारी इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, फायरिंग की गई और आगजनी किया गया, पत्थरबाजी की गई। ये किसी भी दशा में कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में आपको किसी भी निर्णय पर, सरकार के किसी भी डिसीजन पर विरोध करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से आप असेंबल होइए, अपनी बात कहिए, ज्ञापन जिसको आप संबोधित करके देना चाहते हैं आप ज्ञापन दीजिए प्रशासनिक अधिकारियों को, वो ज्ञापन आपको जिसको आप संबोधित करेंगे वहां तक ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा त्वरित माध्यम से। लेकिन अपने हाथ में कानून लेकर के आप तोड़ फोड़ करें, आगजनी करें, हिंसा करें, ये किसी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से ऐसे खुराफाती तत्वों को भी मैं सख्त लहजे में संदेश देना चाहता हूं, जो भी इस तरह की खुराफात करेगा उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और उसको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। और उसकी संपत्ति को क्रूप करके जितनी भी नुकसान हुई है संपत्ति की, उसकी भरपाई की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और ये निर्देश हम लोग भी पालन कर रहे हैं। संभल में, अमरोहा में, बिजनौर में तमाम लोग को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस मंच से ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत किसी की नामजदगी हो गई है, गलत फंसा दिया गया है, उसको भी हम खुले दिमाग से, ओपन माइंड से अपने डिसीजन को रिव्यू करेंगे। और अगर वो बेकसूर साबित होता है, उसका हम नाम 169 सीआरपीसी में निकाल देंगे। तो ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष रहेगी, संयमित तरीके से काम लेगी और बिना आपके सहयोग के, बिना आपके सहयोग के कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। हम और आप एक है, यानी पब्लिक और पुलिस एक है। आप सादे वस्त्रों में पुलिस वाले हैं और हम पुलिस वाले खाकी वर्दी में आम नागरिक हैं। हमारा आपका उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? कि समाज की कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, नंबर एक उद्देश्य। क्योंकि सारी चीजें इसके बाद ही शुरू होती हैं। दूसरा उद्देश्य है कि समाज में आपराधिक घटनाएं घटित ना हो, यानी अपराध नियंत्रित रहे। तीसरा उद्देश्य है यदि आपराधिक घटनाएं घटित हो जाएं, उसका त्वरित निस्तारण हो। तो ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पब्लिक का कोऑपरेशन सर्वोपरि है। आपको करना क्या है? केवल और केवल आपको अपना कान और आंख खुला रखना है। जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसको करते हुए आप वॉचफुल रहिए, विजिलेंट रहिए, सुनिए कोई चीज सुनाई पड़ रही है जो समाज में आपराधिक कृत्य घटित होते हैं के बारे में बता रहा है, उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस आप पुलिस को बताइए। आपकी गोपनीयता को बना करके रखते हुए केवल उस सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। इससे सहमत है आप लोग? नहीं सहमत है? अब क्योंकि आप लोग यहाँ पे असेंबल ही है, तो दो तीन संदेश और मैं देना चाहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट संदेश है वो एसएसपी साहब ने दे दिया, हमने दे दिया। अगला जो नॉट सो इम्पोर्टेंट इस समय लेकिन वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। हर व्यक्ति को, चाहे वो टू व्हीलर चला रहा हो, फोर व्हीलर चला रहा हो, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के नियम बड़े सरल हैं। हेलमेट लगा के गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाइए, तेज गति से गाड़ी मत चलाइए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, मोबाइल फोन का प्रयोग मत करिए, रेड लाइट का पालन करिए। ये बड़े सरल नियम हैं, लेकिन क्या हम पालन करते हैं? हमारे घर वाले पालन करते हैं? इसको इंट्रोस्पेक्शन करना है सबको, और अगर नहीं करते हैं तो अपने हित में और व्यापक हित में इसको आपको पालन करवाना है। साइबर क्राइम के बड़े सारे अपराध हो रहे हैं आजकल, तमाम सारे केसेस यहाँ पेंडिंग हैं और हर आए दिन किसी के पास मैसेज आता है और उसको लिंक को हम लोग क्लिक करते हैं और वो आपसे इंफॉर्मेशन और देता है। नए साल बहुत सारे मुफ्त में इनाम बांटने वालों का तांता लगा रहता है और आप अपने को लकी समझते हैं कि नए वर्ष में लकी बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, और आपने लिंक को क्लिक किया, आपका ओटीपी पूछा उसने और कोई डिटेल्स पूछे आपके बैंक के, और आपने सहर्ष उसको बता दिया कि अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आपको समझना चाहिए कि मुफ्त में मिट्टी भी नहीं मिलती है। और वो क्लिक करने के बाद जो आपके अकाउंट में था वो भी चला गया,
और फिर आप परेशान होते हैं। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए खुद को एजुकेट करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको आप देखिए, खुद भी एजुकेट होइए, अपने परिवार को भी एजुकेट करिए। ये संदेश भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको देना चाहता था। अंत में हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बज ठंडक में, गलन बड़ी ठंडक में आप सभी लोग आए और हमारा सम्मान किया, हौसला अफजाई किया और हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कटगंगा सिविल हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।